मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना। और पिछली क्लास में हमने आपको पुष्प की संरचना बताए थे तथा उसके हमने आपको चार भाग बताए थे, वायदल, दल और उमंग और स्त्री केशर। तो उसी के आगे अब अगली लाइन से आप लिखेंगे कि जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला लिखेंगे एक लिंगी पुष्प। नंबर पहला होगा आपका एक लिंगी पुष्प। नंबर पहला है एक लिंगी पुष्प, यानी कि जिसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप सभी ने लिख लिया एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब होता है, लिखें। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता, तरबूज आदि। जैसे पपीता, तरबूज आदि। दूसरी हेडिंग डालेंगे उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में लिखेंगे जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं। तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। जैसे गुड़हल, सरसों आदि। जैसे गुड़हल, सरसों आदि, ठीक है। तो देखिए, जो गुड़हल और सरसों के जो पुष्प हैं ये कैसे हैं, उभयलिंगी, यानी कि इसी में नर मादा दोनों एक ही पादप में स्थित होते हैं। लिखेंगे अगली लाइन से लिखेंगे बे पुष्प जिनमें चारों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। बे पुष्प जिनमें चारों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प कहलाते हैं तथा जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं। एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं।
लिख लिया। अब हेडिंग डालिए जनन की प्रक्रिया। जनन की प्रक्रिया अगली हेडिंग है न्यू। जनन की प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया यानी कि इन्होंने ये बताया कि जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, लिखेंगे परागकण तथा हेडिंग इसके अंतर्गत एक हेडिंग है परागकण तथा परागण। परागकण तथा परागण लिखे। पराग कोशों में परागकण बनने के बाद पराग कोशों में परागकण बनने के बाद परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे। परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे तथा पुष्प के परागकोष से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को फिर से सुनेंगे कि पुष्प के पराग कोष से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो देखिए जो स्वपरागण होता है तो जो जब जैसे फ्लावर खिला, ठीक है, और इसने क्या किया है स्वपरागण, इसके जो क्या होंगे परागण होंगे दूसरे में सी निकल जाएंगे और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें स्वपरागण और परपरागण, लेकिन इसके स्वपरागण और परपरागण क्लियर ना हो तो यहाँ पर एक ऐसे फ्लावर है तो यहाँ पर कील बैठेगा और कील लेकर इसके पास आएगा तो यहाँ पर उसके परागण गिर जाएंगे तो इसमें निषेचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और दूसरा पर परागण। और ये जो स्वपरागण होता है वो तो कुछ समय द्वारा हो जाता है, लेकिन ये जो परागण होता है ये तीन विधियों द्वारा होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा। ठीक है, वायु द्वारा कैसे, जब तेज वायु चलती है जैसे सरसों में होता है, गेहूं में होता है, जब तेज वायु चलती है तो ये इसके परागण उड़ते हैं और दूसरे पौधे पर चिपक जाते हैं, उसको पड़ जाते हैं। जल में कैसे होता है, जब जल बहता है तो जलीय जो पौधे होते हैं वे जल में बहते हैं, दूसरे पर पहुंच जाते हैं। और कीट से कैसे होता है, एक कीट यहाँ पर मक्खी बैठी और फिर यहाँ पर आगे बैठी तो इसके जो परागण थे इसके चिपक गए तो इसके द्वारा इसके परागण हो गया, ये होता है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे परागकण का अंकुरण। हेडिंग डालो परागकण का अंकुरण।
पराग कण का अंकुर, पराग कण का अंकुरण लिखेंगे। पराग कण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पराग परागण के द्वारा सॉरी परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए पराग कण पराग परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए पराग कण वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को आए वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं, वो अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतः कवच अंकुरण क्षेत्र से उनका अंतः कवच अंकुरण क्षेत्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है। उनका अंकुरण क्षेत्र एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है जिसे पराग नलिका कहते हैं, जिसे पराग नलिका कहते हैं। यह दो केंद्रकों वर्धि केंद्रक तथा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। यह दो केंद्रकों वर्धि केंद्रक तथा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। और इस प्रकार नर युग्मक पराग नलिका में आ जाते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो परागण के वर्तिकाग्र पर आए हुए वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ थे वो क्या होते हैं, अवशोषित होकर फूल जाते हैं और अंकुरण क्षेत्र नलिका के रूप में बाहर निकल आता है, जिसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, एक वर्धि केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। तो जो वर्धि केंद्रक होता है वो नलिका केंद्रक कहलाता है और जब परागण जाता है यानी कि नर युग्मक जाता है तो वह पराग नलिका में पहुँच जाता है। तीसरी हेडिंग इसी की है, पराग नलिका का बढ़ना तथा भ्रूण कोष में पहुँचना। पराग नलिका का बढ़ना तथा भ्रूण कोष में पहुंचना तथा भ्रूण कोष में पहुंचना हेडिंग लिख ली लिखें पराग नलिका वर्तिकाग्र के ऊतक से होकर पराग नलिका वर्तिकाग्र के ऊतक से होकर वर्तिका में पहुंचती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र के ऊतक से होकर वर्तिका में पहुंचती है। वर्तिका से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है और बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मकों को
भ्रूण कोष के जीवद्रव्य से मुक्त कर देती है। भ्रूण कोष के जीवद्रव्य से मुक्त कर देती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रयोग बहुत होता है, निषेचन कम बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन ज्यादा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में फर्टिलाइजेशन ही आपके एग्जाम में लिख के आ रहेगा। लिखे फर्टिलाइजेशन या निषेचन। लिखेंगे बीजांड के भ्रूण कोष में प्रवेश करने के बाद, बीजांड के भ्रूण कोष में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है, पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है नर युग्मक अंडकोशिका में घुसकर केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। और इस प्रकार निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है इससे युग्मनज का निर्माण होता है यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है जिसे प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक कहते हैं तथा इसे त्रिक संलयन भी कहते हैं तो आपने देखा कि जब यहाँ पर करके हमने वो संरचना आपको बनवाई थी और जिस प्रकार से परागण हुआ, परागण के बाद आपने देखा था इस प्रकार से क्या ये बनी हुई थी। अब हेडिंग डालेंगे निषेचन के पश्चात बीज व फल का निर्माण। लिख लेंगे, लिखिए
निषेचन के पश्चात बीजांड से, अभी जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरीके से क्या बना होता है, बीजांड बना होता है, इस पर निषेचन क्रिया होती है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। बीज निर्माण की निम्नलिखित अवस्थाएं भी होती हैं, बीज निर्माण की निम्नलिखित अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे बीज का निर्माण, पहली हेडिंग में लिखेंगे, जैसे बीज का निर्माण, पहला नंबर, और दूसरा है फल का निर्माण, दूसरा है फल का निर्माण। देखिए निषेचन की क्रिया यहाँ पर हुई और यहाँ पर क्या हुआ, एक बीज का निर्माण हो गया छोटा सा, फिर ये बीज क्या हुआ, बढ़ने लगा और इसके ऊपर क्या होने लगी, लेयर बनने लगी, और जो लेयर बनते बनते क्या हुई, इसकी जो बीज था इतना बड़ा हो गया और इसके ऊपर लेयर बनी और ये क्या बन गया, फल बन गया। फल तो अंदर देखिए, फल के अंदर क्या है, बीज का निर्माण हुआ, इसके ऊपर ये रखने के लिए इसका आवरण बन गया, है ना। जो तीन अंदर क्या है, बीज है, ये क्या है, इसका गुदा गुदादार भाग है जो क्या बाहरी घास से इसकी सुरक्षा करता है। इसके ऊपर क्या है, एक और आवरण है, स्किन का आवरण। तो जैसे आपने आम देखा होगा, तो जो अगर प्रभाव बाहर से पड़ेगा, सूर्य का प्रभाव, जल का प्रभाव और किसी कीट का प्रभाव, तो क्या होगा, बीज क्या है, तब भी सुरक्षित रहता है। क्यों, क्योंकि इधर पे जो इसके गुदे का अभाव है, पहले ये नष्ट होगा, ये सूखेगा, तब जाके ये बीज तक पहुंचेंगे। आपने जैसे तुरई में, लौकी में देखे होंगे कि बहुत दिनों तक वह पड़ी रहती है, धीरे 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 सूखती है, और जब उसे निकाला जाता है, फिर भी उसमें बीज कैसे होते हैं, सुरक्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका बाहरी आवरण है, पहले उसे बचा कर रखे रहते हैं। बस इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, उसके बाद कल हम आपको अगला पाठ पढ़ेंगे।